हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी जूम ऐप पे मीटिंग होस्ट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि जूम ऐप पे हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जूम ऐप पे मीटिंग होस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने फोन पे आ जाइए और मीटिंग को होस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जूम ऐप को ओपन कर लेना है। चलिए जूम ऐप ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको मीटिंग होस्ट करने के लिए मीटिंग को शेड्यूल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है शेड्यूल का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे आपको सेट करना है किस तरह से आप मीटिंग को शेड्यूल करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मीटिंग का नेम डालने के लिए आ गया है, किस टॉपिक पे है मीटिंग। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम चैनल का नाम ही डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट दिया हुआ है, किस डेट को आप मीटिंग करना चाहते हैं। यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं प्लस माइनस करके और सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेट कर दिया, सेट पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे दिया हुआ है फ्रॉम। फ्रॉम में यहाँ पे टाइम सेट करना है, किस टाइम से आप इस डेट को कितने बजे से मीटिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अगेन सेट कर सकते हैं टाइम को, तो 10 AM सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे है कि कितने देर के लिए आप मीटिंग करना चाहते हैं, आप मीटिंग को बंद कब करना चाहते हैं, 2 को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कितने देर के लिए मीटिंग करना है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइम जोन में आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। रिपीट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपको यही मीटिंग रोज रोज करना है तो आपको एवरीडे सेलेक्ट कर लेना है, या फिर हर वीक में करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये नन ही मैं सिलेक्टेड रहने देता हूँ। और यहाँ पे है यूज पर्सनल मीटिंग आईडी, आप चाहे तो अपना पर्सनल मीटिंग आईडी भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से एनेबल कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसे हम छोड़ देते हैं। नीचे दिया हुआ है पासकोड। अब यहाँ पे मीटिंग में जो भी ज्वाइन होगा उसके लिए एक पासवर्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे वो जो भी मीटिंग ज्वाइन करेगा उसको डालना पड़ेगा, तभी ये ज्वाइन हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ भी पासवर्ड डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे होस्ट वीडियो ऑन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक्चुअली बंद होता है तो आप चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे होस्ट वीडियो ऑन, यानी कि जो मीटिंग आप बना रहे हैं आपका वीडियो कॉलिंग ऑन रहेगा यहाँ पे, अगर आप इसे एनेबल करते हैं। तो मैं इसे एनेबल कर देता हूँ। पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑन, जो भी ज्वाइन होगा उनका भी वीडियो कॉलिंग ऑन रहेगा अगर आप इसे एनेबल कर देते हैं तो। और उसके बाद अब आपको ऊपर एक डन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली आपका जो जीमेल है वो यहाँ पे आपका खुल जाता है। यहाँ पे आपको इनवाइट करने के लिए एक्चुअली आ गया है, यहाँ पे आप जिसे भी इनवाइट करना चाहते हैं उसे इनवाइट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से बैक कर लेते हैं और ये देख सकते हैं वापिस से जूम ऐप में आ चुका है और यहाँ पे हमारा जो मीटिंग है वो होस्ट हो चुका है, ऑर्गेनाइज हो चुका है। यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, टॉपिक दिखा रहा है, मीटिंग आईडी, उसके बाद पासवर्ड भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे जिस भी डेट को मीटिंग है और जितने भी बजे से है उससे 5-10 मिनट पहले ही आपको जूम ऐप को ओपन कर लेना है और आपको मीटिंग को स्टार्ट कर देना है, तभी जो लोग हैं वो ज्वाइन हो पाएंगे। अब लोग कैसे ज्वाइन होंगे, तो यहाँ पे आपको एक इनवाइट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो लिंक है वो कॉपी हो जाता है। अब यहाँ से आप जिसे भी सेंड करना चाहें उसे सेंड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी ग्रुप में डालना चाहते हैं, कहीं भी सेंड करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ग्रुप वगैरह पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉपी लिंक जो है उसे पेस्ट कर देना है और यहाँ से आप इसे सेंड कर देंगे तो ये सभी के पास चला जाएगा और इस तरह से ज्वाइन भी हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें पासवर्ड भी दिया हुआ है, मीटिंग आईडी भी दिया हुआ है, सिर्फ लिंक पे क्लिक करेगा और मीटिंग को ज्वाइन कर पाएगा पासवर्ड डाल के। अब अगर आप चाहे मीटिंग को डिलीट करना, अगर आप चाहते हैं कि मीटिंग अगर आपने बना लिया है और वापस से इसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो आपको ये मिलेगा मीटिंग्स में, मीटिंग्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज किया होगा, होस्ट किया होगा, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं ये डिलीट हो गया है। तो इसी तरह से आप भी जूम ऐप पे मीटिंग होस्ट कर सकते हैं।